तो हेलो टाटा फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग खेलने जा रहे हैं ग्रेनी चैप्टर 3 स्पाइडर मोड, और आज हम लोग टाटा बटवा के धुलाई करने जा रहे हैं। अरे ये किसने बोला? अरे ग्रैंडपा, कम से कम इस जगह तो शांत रहा करो यार, तुम छोड़ते ही नहीं हो भाई। तो गाइस यार, अभी गेम स्टार्ट हो चुका है और ग्रैंडपा कुछ ज्यादा ही बोल रहा था, तो इसको हम लोग वीडियो में देखेंगे। चलो आ जाओ, अभी हम लोग आते हैं अपने पहले दिन के। हाँ, तो सबसे पहले हमें चाहिए लॉक पिक, जिससे हम इस पिंजरे से आजाद हो पाएंगे। तो ये रहा लॉक पिक, उठा के लॉक खोल लो रे बाबा। हाँ तो गाइस, जब तक लॉक खुल रहा है तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लो। तो गाइस यार, ये जो ग्रेनी ग्रैंडपा है ना, वो एक नंबर के हलकट, नलायक, निकम्मे, जो भी बोलो वो सब इनके नाम के ऊपर सूट करता है। तो गाइस यार, इधर पे देखो, इधर पे तो कुछ भी होने वाला है नहीं, क्योंकि ग्रेनी ग्रैंडपा अपनी हर एक चीजों को सीक्रेट रखते हैं। और इधर पे पड़ा है वुड, तो इसको हम लोग उठा लेते हैं, क्योंकि इससे हमें कलवे का पछवाड़ा जलाने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तो यार ये खुलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और हेलो भाई कंकाल कोपड़ी, की हाल चाल? अच्छा, उसके हाल चाल तो मजे में है, क्योंकि वो बहुत पहले आके इधर से टपक गया था। ओके, तो ये दरवाज़ा, इसका भी लॉक खोलना पड़ता है, क्योंकि बिना खोले हम लोग कहीं पर घुस सकते नहीं है। तो इसको भी टपा टप करके खोल लेते हैं, फटाफट मतलब था, समझा करो यार। ओके, तो ये भी खुल गया। और ये नीचे सस्ती सिलेंडर है, बीच बीच में आके डराती है। इसका खोपड़ा तोड़ने के लिए आपको सबसे पहले इसका टैडी चाहिए, जो कि इसके खोपड़ी में डाल के इसके खोपड़े को खोल के ऊपर से नीचे तक इसकी बजा देनी है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। देखो इधर पे कार के अंदर कुछ ना कुछ तो रहता ही है, तो फिर चलो कार को फटाफट खोल के देख लेते हैं कार के अंदर क्या निकलता है। वैसे अरे यार, आज तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर भाई, ये ग्रेनी ग्रैंडपा कतई चालाक होते जा रहे हैं दिन पे दिन। ओके, तो कार को छोड़ो, चलो हम लोग और कुछ ढूंढते हैं। वैसे इधर पे स्टोन एक भी नहीं दिख रहा, मेरे को लग रहा है ग्रेनी ग्रैंडपा ने बाहर से घर को पैक कर दिया, क्योंकि उनको पता चल गया है कि स्टोन मिलते ही नहीं, नहीं दिखा स्टोन, एक स्टोन तो मिला। हाँ, तो अभी स्टोन को छोड़ो और मेरे को एक बात बताओ, आपको ग्रेनी ग्रैंडपा कलुआ और स्लेंड्रीना और उसके मंगरू भैया में से सबसे ज़्यादा कौन पसंद है? और इसकी ऐसी की तैसी स्लेंड्रीना तेरे बहुत मारेगा मैं तेरे को। और ये ग्रेनी भी साइड से आ रही थी भाई साहब, मैं बहुत जल्दी में निकल गया, अच्छा हुआ, नहीं तो ये लोग मेरा टगरी कबाब बना के खा जाते। तो जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब कमेंट में बता देना कि आपको सबसे ज़्यादा कौन पसंद है, ग्रेनी ग्रैंडपा, कलुआ, मंगरू, बाबू, अगड़म बगड़म जो भी है, उनमें से सबसे ज़्यादा कौन पसंद है उसको कमेंट में जरूर से बता देना। और हाँ, ग्रेनी ग्रैंडपा को तो मैं बहुत जल्दी उड़ाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास शॉर्ट गन नहीं है यार। ये ग्रैंडपा पता नहीं किधर पे घूम रहा है। ओके चलो, तो अभी फटाफट इसको इसकी जगह पे लगा के आते हैं। वैसे इधर पे भी कभी कभी कुछ पड़ा रहता है, लेकिन आज तो कुछ भी नहीं है, तो इसको छोड़ते हैं इधर पे ही। और चलो ये उड़ को इसकी जगह पे लगा के आते हैं, क्योंकि हमें कलवे का पछवाड़ा जो जलाना है, तो इसलिए चलो इसको भी खोलने में टाइम लगता है। हाँ मेरे को पता है साइड से गेट है, उधर से जा सकते हैं, लेकिन ये गेट खुला रहेगा, बाई चांस ग्रेनी ग्रैंडपा अपने पीछे पड़ गए तो घुमा के ला सकते हैं उनको। तो ये अपनी जगह पे सेट हो गया, और कलुआ अभी बहुत ज़्यादा मज़े में गाना गा रहा है ऊपर से। तो गाइस यार, उड़ को उसकी जगह पे लगाने के बाद मैं सीधा नीचे आ गया, और इधर से मेरे को माचिस मिल गया। अभी माचिस से हम कलवे का पछवाड़ा जलाएंगे, तो फिर चलो फटाफट ऊपर चलते हैं। ए वेलनल, मेरे को एक बार और माफ कर दे, इस बार ग्रेनी को नहीं पता चलेगा। ओ भाई साहब, ग्रैंडपा इधर पे वेलनल से बात कर रहे हैं, तेरी तो अभी ग्रेनी को बताना पड़ेगा लग रहा है। सब सुनना हो तो ग्रैनी को बताएगा, तेरी भैंस की पूछ, अबे कहाँ चला गया, अबे गायब हो गया इतनी जल्दी है, इधर पे छुपने की जगह भी नहीं है, किधर छुप गया? अबे बुढ़ऊ, पहले अपनी नजर तेज कर, तू मेरे को इतनी आसानी से नहीं ढूंढ पाएगा। अरे बेटा, जब तू चश्मा पहनता था ना, तब मैं अपनी आंखों में लेंस लगाता था, तेरे को पता नहीं। अबे भाई, ये बुढ़ऊ क्या कह गया, कुछ समझ में नहीं, इसको छोड़, चलो पहले कलवे का पछवाड़ा जलाते हैं, और ज्यादा मजा आएगा। तो ये रही माचिस, और इसको मैंने लगा दिया। बुरी भैया ने उड़ा दिया, तेरी तो मैं तेरे को पकड़ लूंगा, तूने मेरे पछवाड़े के साथ क्या किया? तूने मेरे कलवे का पछवाड़ा कैसे जलाया, तेरी ऐसी की तरह? अरे ग्रैंडपा क्या बात करते हो, हाथ से जलाया मैंने तो। हाँ तो गाइस यार, अभी कलवे का काम तमाम हो चुका है, तो फिर चलो इसके पास देखते हैं क्या था। और ये इसके पास सीड की मिल गई, इससे हम लोग फटाफट अपना जनरेटर रूम खोलेंगे, और उधर से कुछ ना कुछ तो हमको अच्छा मिलेगा ही, तो फिर चलो फटाफट जनरेटर रूम के पास। हाँ तो गाइस यार, ये रहा जनरेटर रूम, और चलो इसको खोल के देखते हैं क्या है इसके अंदर। और ये अंदर अलमारी के अंदर, और ये भाई साहब सिलेंड्रीना का टैडी मिल गया, अभी मजा आएगा ना बिड। तो फिर टैडी को अभी फटाफट उठाते हैं, और ग्रेनी ग्रैंडपा अभी मेरे पीछे पड़ गया, तो फिर उससे पहले वो मेरे को देखे, मैं टैडी को ऊपर लेके चलता हूँ ना फटाफट। हाँ तो गाइस यार, अभी हम लोग ग्रेनी ग्रैंडपा से बचते बचाते ऊपर आ चुके हैं, और सिलेंड्रीना के घर में घुस जाते हैं। ये टूटी हुई छत से नीचे आने का मजा ही अलग है। और ये रही सिलेंड्रीना का टैडी। अरे भैया बहुत बहुत धन्यवाद, इन लोगों ने मेरे को 200 सालों से कैद करके रखा था, आपने मेरी जान बचा ली, बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद, ये लो आपके लिए नई नई चाबी। अरे भाई सिलेंड्रीना तो लड़की थी, ये लड़के की आवाज में कैसे बोलने लगी, भाई कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर।
तो अभी सिलेंडर ने हमें पेडलॉक की दे दी है, जिससे हम लोग पेडलॉक की खोलेंगे। मतलब उसके लिए हमें दो वास भी चाहिए, जो कि अभी हमारे पास नहीं है। उसके लिए वेपन चाहिए, और हमें वेपन की सबसे पहले चाहिए। तो फिर चलो वेपन की ढूंढते हैं। तो गाइस यार, मैंने सब जगह चेक कर लिया था, लेकिन ये वाला ड्रॉर खाली रह गया था। तो इसको भी खोल के देखते हैं। और भाई साहब, सेफ की मिल गई अभी तो, और बचाएगा। तो फिर चलो फटाफट सेफ की से सेफ की का दरवाजा खोल के आते हैं, और ये लिफ्ट से ऊपर चलेंगे, क्योंकि रेनी ग्रीनबर्ग का कोई भरोसा नहीं है। वो लोग कहाँ से आके कब हमें मार के चले जाए भाई साहब। तो फिर चलो, हमारी लिफ्ट धीरे धीरे करके ऊपर जा रही है, और एक गाना भी आता है मेरे को, धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। मतलब ऊपर नहीं, वो वाले ऊपर नहीं, कहीं पे तो जा रहे हैं। और ये इधर से चलो फटाफट खोल। अबे इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है, तेरी बहन्स की पूत। अबे भाई, ये कहाँ से आ गया भाई, ये अचानक से आ गया यार, ये तो चीटिंग है, मार दिया मेरे। डे वन के साथ साथ डे टू भी खा गया बुड्ढे, तेरे को शर्म नहीं आती मेरे को मारते हुए चिमकांडी कहीं का। तो गाइस यार, मैंने गेट खोल के पेडलॉक की ले ली है, और हाँ, हमारी सेफ की ऊपर ही रह गई है, जहाँ पे ग्रैंडपा ने हमें मारा था। तो फिर सबसे पहले इसे खोल लेते हैं। अभी हमें तो वॉश चाहिए, जिसे लगाने के बाद हमें यहाँ से आई थिंक, मेरे को लग रहा है, फ्यूज मिलना चाहिए। तो फिर चलो देखते हैं। पेडलॉक की का तो अभी कोई काम है नहीं, तो मैं इसको हाथ में लेके क्यों घूम रहा हूँ, और ये ग्रेनी कहाँ जा रही है। हाँ, तो अभी ग्रेनी नीचे वाले रूम में है। तो फिर फटाफट चल के हम लोग ऊपर से अपना ये सेफ की लेके फटाफट गेट को खोल के देख लेते हैं। मतलब गेट को नहीं, लॉकर को खोल के देख लेते हैं, उसके अंदर हमें क्या मिलता है। तो ये रही अपनी सेफ की, और इसे खोलते हैं फटाफट, और ये अपना लॉकर, इसे खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या मिलता है। तो भाई साहब, हमें ब्रिज क्रैंकर मिल गया, जिससे हम ब्रिज फटा। मेरे घर में चोरी, तेरी भैंस की टंग, ऐसे इतनी आसानी से चोरी नहीं कर सकता। अरे ग्रेनी, शायद आप भूल गई कि चोर के घर में चोरी करने से कुछ नहीं होता। मजा आ गया ना। तो गाइस यार, ग्रेनी से बचते बचाते मैं ब्रिज क्रैंक को उसकी जगह पे लेके आ चुका हूँ। तो फिर इसको इसकी जगह पे फिक्स करके इसे घुमा देते हैं, ताकि अपना ब्रिज खुल जाए। तो गाइस यार, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं बीच बीच का क्लिप कट कर दे रहा हूँ। तो यार, आप लोग को आई होप की परेशानी ना हो। आज तो एविल नाम से चोरी चोरी बात करूंगा। अबे भाई, ये ग्रैंडपा किससे बात करने की बात कर रहे हैं, उसे छोड़ो, इधर पे हमारा प्लैंक पड़ा था, इसे उठाते हैं। हेलो एविल नाम, हाँ कैसे हो, कहाँ पर हो? अबे भाई, ये तो बातें भी करने लगा, ग्रेनी को बताना पड़ेगा, क्योंकि ग्रैंडपा बहुत ज्यादा बिगड़ गया है, इसकी धुलैया करवाएंगे ग्रेनी के बैट से। ग्रेनी ग्रेनी, अरे ओ ग्रेनी। अरे क्या हुआ भैया जी, बोलो फटाफट। अरे ग्रैंडपा विलन से बातें कर रहे हैं। हाँ तो क्या हुआ, ग्रैंडपा को पटक पटक के मारूंगे डंडे से। और नहीं नहीं ग्रेनी, वो झूठ बोल रहा है। तो गाइस यार, अभी मैंने प्लैंक को इसकी जगह पे लगा दिया, और चलो उस साइड चल के देखते हैं इस घर में क्या रखा है। तो ये साइड रुको यार, थोड़ा फंस जाता हूँ इधर उधर। और ये घर में देखो भाई साहब, जनरेटर केबल मिल गई, अभी तो और ज्यादा मजा आएगा। तो फिर चलो जनरेटर केबल को भी उसकी जगह पे लगा के आते हैं फटाफट। तो गाइस यार, अभी मैं जनरेटर केबल वाले रूम के अंदर आ चुका हूँ, और ये लग गया जनरेटर। अबे लग जा भाई, ओके लग गया। तो बटन को भी ऑन कर देते हैं, ताकि इधर से इलेक्ट्रिसिटी जाए अपने उस कंप्यूटर के पास, जो हमारा गेट खोलेगा। और इधर से चलो फटाफट चल, चूंकि ग्रेनी ग्रैंडपा को कोई भरोसा नहीं। अबे तेरी तो भरोसा नहीं, हमारा ना भी तेरी भैंस की टांग, भरोसा करना चाहिए किसी इंसान के ऊपर से, भरोसा नहीं उठाना चाहिए। यार इस बुड्ढे ने मेरा दूसरा दिन भी खा लिया, अभी तीसरे दिन में हम लोग घुस के बुड्ढे की टांग तो मैं तोड़ूंगा, गनाने तो मेरा हाथ। तो गाइस यार, अगर आप लोगों ने वीडियो अच्छे से देखी होगी, तो आप लोग को पता होगा कि ग्रैंडपा ने जब हमें पहली बार दौड़ाया था, तो हमें ये वाले रूम के अंदर नारियल मिला था, और ये रहा अपना नारियल। तो फिर चलो नारियल को फोड़ते, और पक्का गारंटी है इसके अंदर से हमें वेपन की मिलेगी। इससे पहले इधर पे कोई आ रहा है, लेकिन नहीं आ रहा जो। हाँ, तो अभी नारियल को धीरे धीरे यहाँ से लेकर चलते हैं। तेरी तो मैं गिर गया ऊपर से भाई, ये चौथा दिन मेरा क्या, अभी मेरे पास बस ये वाला दो दिन चल रहा है, मतलब ये चौथा दिन चलने वाला है, और एक दिन और बचा है पांचवा। इन्हीं दिन में मेरे को कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो मेरी बैंड बच चुकी है पूरी तरह से। तो गाइस यार, गिरने से पहले जो नारियल था, हमने उसे नीचे फेंका था, और ये रहा अपना नारियल। तो फिर फटाफट नारियल की खोपड़ी खोल लेते हैं, और इसके अंदर से वेपन की निकाल लेते हैं। तो ये रहा नारियल का डब्बा, और इसको यहाँ पे लगा के, और ये मैंने चला दिया, और ये इधर से निकल गया अपना वेपन की। तो इसे उठा लेते और फटाफट, अब खोलना है ग्रेनी ग्रैंडपा की खोपड़ी। तो फिर चलते हैं फटाफट। यार अभी स्टोन दिख भी नहीं रहा, तो स्टोन को छोड़ते पहले ऊपर चलते हैं वेपन निकाल के ला। और ये रहा वेपन रूम वाला कमरा। तो फिर चाबी लगा के फटाफट वेपन निकाल लेते हैं हमारा स्लिंगशॉट, और इससे हम लोग खोलेंगे ग्रेनी ग्रैंडपा दोनों की खोपड़ी। तो फिर अभी हमें स्टोन कलेक्ट करना है, तो फिर चलो फटाफट नीचे से स्टोन कलेक्ट करके आ। तो गाइस यार, नीचे मैंने बहुत ढूंढा, और बहुत ढूंढने के बाद मेरे को दो स्टोन मिले। दो स्टोन ग्रेनी ग्रैंडपा के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी है। तो बस अभी हमें ग्रेनी और ग्रैंडपा चाहिए, वो कहाँ पे छुप के बैठे, उनकी खोपड़ी खोलना है हमें।
अरे तू हमें क्या ढूंढेगा, ढूंढते हुए तो हम आएंगे। और खोपड़ी भी मैं ही खोलूंगा तेरी भैंस की टांग। वैसे ग्रेनी के हाथ में गन तो होती नहीं है, तो हम इससे कुछ ले भी नहीं सकते। और ग्रेनी का जो बल्ला है वो परमानेंटली ग्रेनी के हाथ में चिपका रहता है। और भाई साहब हमारे पास स्टोन है नहीं, तो फिर अभी और स्टोन कलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले बुड्ढा आ गया, अभी हमें छुपना पड़ेगा, क्योंकि बुड्ढा अगर हमें पकड़ लेगा तो उसके पास शॉटगन है, और शॉटगन से वो हमारा बैंड बजा देगा। तो जब तक बुड्ढा चला नहीं जाता तब तक हम लोग को यहीं पर छुप कर रहना पड़ेगा। तो गाइस यार बुड्ढे के जाने के बाद मैंने थोड़ी मेहनत की और मैंने 3 स्टोन जमा कर लिया। अभी चलो ऊपर फटाफट चलते हैं, क्योंकि ऊपर हमारा अभी एक वॉस बाकी है जिसे हमें उतारना है। तो फिर चलो फटाफट ऊपर चल के उस वॉस को भी उतार लेते हैं। उसके बाद दोनों वॉस को रखने के बाद हमारा काम खत्म। और ये ग्रेनी खड़ी है, इसका टकला पड़ गया, ये गई ग्रेनी। अब बस बुड्ढा बाकी है, बस बुड्ढा यहीं पर रहे। और भाई साहब लॉटरी लग गई है, और बुड्ढे की हाल चल चल निकल इधर से चिमकांडी कहीं क्या। और ये गन आ गई हमारे हाथ में, तो गन को यहाँ पे सामने गोली पड़ी है उससे रिलोड कर लेते हैं, ताकि हमें ऊपर मंगरू नहीं मतलब वो अपना कलवे का काम तो ख़त्म हो चुका है। तो यार शॉटगन से वो वाले अपने क्या बोलते हैं वास को भी उतार लेते हो, तो इधर से दिखेगी वो वास। ओके तो आ जाओ फटाफट वास। अबे तेरी तो मैं नीचे गिर गया, लेकिन कोई ना इधर से भी मैं उतार सकता हूँ। और ये एम लगा के, और ये भाई सब किधर गया। ओके तो ये राइट साइड में गिर गया, तो फिर चलो फटाफट दोनों वास को कलेक्ट। और गाइस यार ग्रेनी ग्रैंडपा को मारने के बाद मैंने फटाफट दोनों वास को कलेक्ट किया, और चलो फटाफट इसे उसकी जगह पे लगा के आते हैं। तो फिर ये पहले वास को मैं लेके चलता हूँ उसकी जगह पे। और ये लोग गाइस यार हम लोग अपना पहला वास लेके आ चुके हैं, और दूसरे वास को भी फटाफट ला के यहीं पे सेट कर देते हैं ना। परेशानी लगा सर, मैंने दोनों वास को यहाँ पे लगा दिया। अभी ये खुल रहा है और इसके अंदर से देखते हैं फ्यूजी निकलेगा, मेरे को पता है, क्योंकि बाकी सब चीज़ें मेरे को मिल चुकी है। तो फिर फ्यूज को फटाफट लेके चलते हैं ऊपर इलेक्ट्रिसिटी वाले रूम में। और फाइनली गाइस यार हमें हमारा लास्ट टेक्निकल हथियार मिल चुका है, तो फिर चलो फटाफट इसको उसकी जगह पे लगा के आते हैं, ताकि हमारा ब्रिज एस्केप हो सके। वैसे भी इसमें ट्रेन एस्केप नहीं है, तो ट्रेन एस्केप की वीडियो कभी और बनाऊंगा। और हाँ यार मैं सच में बोल रहा हूँ, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लेना, क्योंकि अभी मैं ग्रेनी ग्रैंडपा जैसे और भी हॉरर गेम्स खेलने जा रहा हूँ, लेकिन अपने ग्रेनी ग्रैंडपा अपने हैं भाई साहब। तो फिर चलो फटाफट इधर पे ये रहा अपना फ्यूज की जगह, और इधर पे फ्यूज लगा देते हैं और बटन प्रेस करके ऑन कर लेते हैं, ताकि हम लोग इधर से फटाफट निकल सके। और ये गेट हो गया ओपन। और भाई साहब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इधर से भागने के लिए, क्योंकि ग्रेनी ग्रैंडपा ने मेरे को 4 बार मारा, मतलब ग्रेनी ने नहीं मारा लेकिन बुड्ढे ग्रैंडपा ने मेरे को बहुत बार मारा, तो मैंने उससे अपना बदला भी ले लिया भाई। सोते टाइम पे उसका खोपड़ी खोल दिया, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए हमें। तो फिर चलो फटाफट इधर से धीरे से उतर के निकलते, क्योंकि अगली बार मैं यहीं से गिर के मारा था। तो ये रही अपनी जगह, और इधर से भी धीरे से ही उतरना चाहिए, बैठ के उतरा करो। अगर खड़े होकर उतरोगे ना तो हड्डी पसली कहाँ जाएगी कुछ पता नहीं चलेगा। और ग्रैंडपा की कबाड़ी कार किसी काम की नहीं है। और ये रहा अपना गेट। और भाई साहब 2 घंटे से इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, 2 घंटे नहीं यार 20 मिनट लगे थे टोटल पूरी वीडियो को, इसलिए क्लिप में थोड़ा बहुत ऐड कर लिया। अरे भैया जी मेरे घर से भागना इतनी आसान भी नहीं है। अरे भाग गया तो भाग गया, अपने बाप का क्या जाता है, कुछ तो जाता है ना चिमकांडी, ऐसे कैसे बोल दिया। चलो तो फिर बाय बाय टाटा।